बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है आयत रहम वाला है। आज मैंने गुड़ के हलवा बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे पास शीरा बचा था ना, तो वो मैंने फ्रिज में संभाल करके रखा हुआ था, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी इंशाल्लाह का देसी घी में हलवा बनाऊँगी। ये थोड़ा है, मैंने इसमें थोड़ा गुड़ भी शामिल करना है। ये गुड़ से हमने ना शक्कर से बनाई है, तो ये इसमें थोड़ा हमने ना ये भी शामिल करना है। अब इसमें हमने इसको अच्छी तरह पकाना है, इसका जो इसमें अच्छी तरह इसका बहुत अच्छा छाछ बने, फिर इसमें हम घी शामिल कर देंगे। इसमें इलायची, पहले से जो मेरे पास शीरा बचा था उसमें इलायची भी थी ना, तो इसमें इलायची डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी इलायची मैंने इसकी डल गई है। ये बहुत मज़े का बहुत अच्छा हलवा बनेगा इंशाल्लाह। आप भी ये मेरे ना वीडियो देखा करें, और मैं जो चीज़ आप लोगों को बताऊंगी वो मुश्किल भी नहीं होगी इंशाल्लाह। वो आसानी से जो हमारी किचन में सामान होगा इंशाल्लाह उसी में बनेगी। और आप भी कहेंगे कि ये बाजी हर चीज़ गुड़ में बनाती हैं, और हम जो है ना सर्दियों में गुड़ मंगवाते हैं, उस गुड़ में हम हलवा भी गुड़ में बनाते हैं, गुड़ के चावल भी बनाते हैं, और क्या नाम है इसमें गुड़ में हम सब कुछ गुड़ में, मतलब जो मीठा होता है कोशिश ये करते हैं कि हम गुड़ में बनाएं, और वो बहुत लजीजा बनती हैं, बहुत अच्छी मज़ेदार बनती हैं ना। ये इंशाल्लाह भी पकेगा तो बहुत अच्छा होगा, बहुत जायके वाला होगा इंशाल्लाह। ये देखो अभी इसका ये पक गया है ना, इसमें अभी घी डाल रहे हैं देसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने देसी घी में पकाना है, थोड़ा सा और पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो ये गुड़ का हलवा इसमें बनाऊँ। अब इसमें ना इसको कच्चा नहीं छोड़ना, इसको सही पकाना है। जो है ना ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, सर्दियों में बहुत अच्छा होता है। हम तो गुड़ मंगवाते हैं रमज़ान में भी, इसमें शरबत भी हम गुड़ में बनाते हैं रमज़ान में। तो ये हम लोग पूरी सर्दियों में हम यही इस्तेमाल करते हैं। और मूँगफली मैंने इसके बीच में डालना, इसलिए कि ये कच्ची मूँगफली है ना, वो वाली मूँगफली दे, वो ये कच्ची मूँगफली है ना, ताकि बीच में पक जाए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने इसके बीच में डाला। पहली वीडियो में मैंने गुड़ का हलवा बनाया था, लेकिन उसकी जो सूजी है ना वो मैंने उस पानी में भिगोई नहीं थी ना, वो दूसरे तरीके से बनता है ना। उसको मैंने पहले उसको घी में लाल किए, फिर उसके बाद मैंने वो खुश्क थी, वो मैंने गीला नहीं किए। तो ये वाली जो है ना ये हमने दूध में भिगो के रखी थी। अभी ये हलवा बन जाएगा, साथ साथ ना मैं आप लोगों को इसकी दिखाऊँगी। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। ये बहुत मज़े का हलवा बनेगा इंशाल्लाह। ये अभी हलवा मेरा ये देखो बस ये पक गए हैं ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है देसी घी की और गुड़ की। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा ये मैंने इसमें कोपा डालना है, ये और ये थोड़ी जो मूँगफली लगती है, और थोड़ा मैंने इसमें ना बादाम डालने, बाकी ऊपर गार्निश करूँगी।
अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करें लाजमी। अच्छा अभी इसको ना मैं काट के फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। ये अलवा काट के चेक करो कैसी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।